गेम ये है कि कोई भी स्टूडेंट इसमें आएगा, इसको देखिए बढ़िया से हम हिला डुला दीजिए, कोई भी स्टूडेंट आएगा एक पर्चा निकालेगा और उसके बाद हमको देगा, हम उसके लिए पढ़ेंगे और उसके बाद उसका जवाब देगा। जवाब अगर आता है तो बोलेगा, देगा जवाब, और नहीं तो आराम से जो है बैठ जाएगा, हम उसके लिए वहाँ पर जा करके 0 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टूडेंट है अविनाश कुमार, आइए एक निकालिए पर्चा कोई भी। सवाल है, दी मूविंग एयर इज कॉल्ड, मूविंग एयर जो चलती हुई हवाओं को क्या कहते हैं? चलिए सही जवाब। चलिए आइए अंकित कुमार निकालिए इसे। बताइए स्पीड का करेक्ट सिंबल क्या है रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, उसका सिंबल, उसका यूनिट, किस यूनिट से उसको हम डिनोट करेंगे स्पीड को? स्पीड का। हाँ यस। स्पीड का यूनिट, स्पीड का यूनिट जैसे होता है लेंथ का मीटर होता है, उसी तरह से स्पीड का यूनिट क्या होगा? टाइम। नहीं, क्या होगा जी बताइए आप लोग। चलिए आइए साहिल कुमार, कितना आसान सवाल है बताइए। साल्ट जो है सी वाटर से प्राप्त किया जाता है किस प्रक्रिया से? साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ साल्ट। आए हाँ पास होगा। साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर, बताइए कौन सा प्रोसेस है? बताओ। नहीं, तैयार से मतलब नहीं, क्वेश्चन पास सबके लिए हो जाएगा, वो हो गया बस खत्म हो गया। बोलिए नहीं ना समझ में। चलिए बताइए क्या होगा जी? एवापोरेशन। आइए अगला आप आइए। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लिप्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, गैस का एक्सचेंज जो है लिप्स में होता है किस? चलिए सही जवाब। रोहित कुमार, है ना आसान सवाल जी। अगर कहीं किसी क्षेत्र में 1 साल से अधिक अगर वर्षा नहीं होती है तो उस क्षेत्र में क्या जाता है, क्या हो जाता है? हाँ उसका एक प्रॉपर वर्ड है, क्या बोलेंगे? ठीक बोल रहा है, क्या वर्ड बोलेंगे उसको? किसी क्षेत्र में अगर 1 साल तक बारिश नहीं होती है तो उस वर्ड को क्या बोल, कौन सा उस क्षेत्र में क्या आ जाता है? क्या क्या बोलिए बोलिए, हिंदी में बोलिएगा काम चलेगा। किसी क्षेत्र में अगर 1 साल तक बारिश नहीं होती है तो क्या? सुखाड़ पड़ जाता है। बिल्कुल सही जवाब, सुखाड़ पड़ जाता है। चलिए आइए अमन जी उठाइए। बताइए 5 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? कितना सेंटीमीटर? 500 आराम से सोच के बोलो। 5 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? सेंटीमीटर बोल रहे हैं, मीटर नहीं बोल रहे हैं। 5 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 5000 सेंटीमीटर। 5000 सेंटीमीटर सोच लिया। 500 सेंटीमीटर। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। कितना होगा जी? 5 लाख होगा। चलिए इसके बाद हैं ऋषभ राज, आइए। कैसा लग रहा है वरुण सर, सवाल अच्छा है ना? बताइए ऐसा कौन सा पौधा है जिससे हम लोग शुगर प्राप्त करते हैं, चीनी प्राप्त करते हैं? एक। हाँ शुगर केन, सही बात है।
आंसर तो आसान सवाल और क्या होता है, यही ना आसान सवाल है। तो तुमको हार्ड थोड़ी पूछेंगे, तुम्हारे लिए भी यही डब्बा है। नहीं नहीं नहीं, बस सब एक तरह का सवाल है, आप देखिएगा ना। अच्छा आप बताइए, प्लांट का कौन सा भाग में रिप्रोडक्शन होता है? प्लांट का कौन सा? हाँ, फूल में। सही, बिल्कुल सही जवाब। देखिए आइए, उसके बाद है राजा, उठाइए। पृथ्वी मतलब कि जो है पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर होता है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी के जस्ट ऊपर एक लेयर है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के जस्ट ऊपर एक लेयर है जिससे पृथ्वी ढका हुआ है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? बोलो। पृथ्वी के जस्ट ऊपर एक लेयर है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? कोई जवाब नहीं बोलेगा जब पूछेंगे तब, क्योंकि चीटिंग हो जाएगा। नहीं नहीं, साइंस में भी है, सिक्स क्लास का सिलेबस में है। हाँ बोलिए। जवाब इनके पास नहीं है, आप लोग बताइए क्या होगा? एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के अंदर में भी एटमॉस्फेयर। अंदर में छोप मंडल का है पृथ्वी के अंदर। चलिए अगला सवाल है आशीष कुमार के लिए, आइए। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को सीधा सी जवाब एटमॉस्फेयर कहते हैं, उतना थोड़ी हम ओजोन और जो है छोप मंडल और सारा मंडल में हम जा रहे हैं। आसान सवाल है, आसान चीज सोचिए, उतना हार्ड नहीं। जब आएगा हार्ड सुनेंगे तो हम बताएंगे। बताइए, आसान सवाल है, प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसके ब्रांचेज को सपोर्ट करता है और जो है फूल भी देता है? कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ब्रांच को सपोर्ट करता है? प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है, कौन सा ऐसा पार्ट है? हाँ 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 हाँ, सपोर्ट करने वाला पार्ट कौन सा है? कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम जवाब दे देगा। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, स्टेम होगा, सही जवाब है। नहीं उतना डरना नहीं है, आसान सवाल है। हाँ उठाइए। आई एम नॉट टू बी वरी अबाउट। आप बताइए, बहुत आसान सवाल, एयर का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हरे पौधे अपने भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं? एयर का कौन सा ऐसा भाग मतलब पार्ट है जो कि हरे पौधे यूज करते हैं भोजन बनाने में? CO2। बिल्कुल सही जवाब। क्या तुम्हारे लिए कठिन सवाल था? कह रहा था कि सर मेरे लिए, उसको लग रहा था शुरू में आसान होगा, मेरे लिए हार्ड चलाएगा। यह ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें कि हम जो है हस्क उसका जो है उसका जो भूसा जो है वो गेहूं से अलग करते हैं, कौन सा तरीका ऐसा है? चक्की में डालता है, निकल जाता है। क्या होगा जी? सीविंग बोलते हैं उसको, सीविंग बोलते हैं, सीविंग। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, अभी 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 और अभी आप हैं, उसके बाद जो है आरजू कुमारी आएगी। नहीं, हाँ मैं पढ़ा था। आप बताइए, एक डिवाइस का नाम बताइए जिसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने में, तोड़ने में। एक डिवाइस का, अच्छा आने दो, अभी आप शामिल हो जाएगा। एक डिवाइस का नाम बताइए जिसका प्रयोग करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना उसको ब्रेक करने में। स्टेबलाइजर। बिल्कुल गलत जवाब। क्या होगा जी? स्विच। आशुतोष। हाँ हाँ, MCB वो, लेकिन वो सब पढ़ना नहीं, जो सिंपल सबसे सिंपल जो है वो वाला। MCB भी बोलता तो जवाब हो जाता, लेकिन आइए आशुतोष कुमार उठाइए। अभी हरवाना नहीं है, एक सवाल आपके पास आया है, हो सकता है कि आपके दिमाग में नहीं हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताइए, टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर को हम क्या कहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ मांस खाता है। बिल्कुल सही जवाब।
चलिए बैठ जाइए। अब हम लोग राउंड टू में चलते हैं। हाँ।